सही बुखारी हदीस नंबर 20। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का हुक्म देते तो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग्जिशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप नाराज़ हुए, हत्ता के खफगी आपके चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। सही बुखारी हदीस नंबर 21। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में ये तीन बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पा लेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल इनके मासिवा से ज़्यादा अजीज़ हों, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कुफ्र से निजात दी हो फिर दोबारा कुफ्र इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है। सही बुखारी हदीस नंबर 22। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे। फिर ज़िंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे, उस वक्त वो दाने की तरह उगाएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उगाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेच दर पेच निकलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 23। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं, किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का उससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए, उनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसकी क्या ताबीर है। आपने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। सही बुखारी हदीस नंबर 24। एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुज़रे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आपने उस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। सही बुखारी हदीस नंबर 25। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कात दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। सही बुखारी हदीस नंबर 26।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 27۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور سعد وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا حضور، آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 28۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 29۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا حضور، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 30۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم صمیم پر وہ دوزخی ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 31۔ ابو ذر ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ سبب دریافت کیا گیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے، یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہ کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 32۔ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟
तब अल्लाह पाक ने सूरह लुक्मान की ये आयत उतारी कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। सही बुखारी हदीस नंबर 33। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें तीन हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। सही बुखारी हदीस नंबर 34। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है जब तक उसे न छोड़ दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। सही बुखारी हदीस नंबर 35। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शबे कद्र ईमान के साथ महज सवाब आखरत के लिए जिक्र इबादत में गुजारे, उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 36। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकला, अल्लाह उसका ज़ामिन हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, उसको मेरी ज़ात पर यकीन और मेरे पैगंबरों की तस्दीक ने इस सरफरोशी के लिए घर से निकाला है। मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि या तो इसको वापस कर दूँ सवाब और माले गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूँ। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार न समझता तो लश्कर का साथ न छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ। सही बुखारी हदीस नंबर 37। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान में रातों को ईमान रख कर और सवाब के लिए इबादत करे, उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 38। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नियत के साथ रखे, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। सही बुखारी हदीस नंबर 39। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा और उसकी सख्ती न चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो, और जहाँ तक मुमकिन हो मयाना रवि बरतो, और खुश हो जाओ कि इस तर्ज़ अमल से तुमको दारेन के फवाइद हासिल होंगे, और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो। नमाज पंज वक्त भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो। सही बुखारी हदीस नंबर 40। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपनी नानिहाल उतरे जो अंसार थे, और वहाँ आपने 16 या 17 माह बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, और आपकी ख्वाहिश थी कि आपका क़िबला बैतुल्लाह की तरफ हो। जब बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया तो सबसे पहली नमाज जो आपने बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी असर की नमाज थी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों से एक आदमी निकला और उसका मस्जिद बनी हारिसा की तरफ गुजर हुआ तो वो लोग रुकू में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ
कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। ये सुनकर वो लोग उसी हाल में बैतुल्लाह की तरफ घूम गए। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, यहूदी और ईसाई खुश होते थे। मगर जब आपने बैतुल्लाह की तरफ मुंह फेर लिया तो उन्हें यह अमर नागवार हुआ। जुहैर एक रावी कहते हैं कि हमसे अबू इसहाक ने बरा से यह हदीस भी नकल की है कि क़िबला की तब्दीली से पहले कुछ मुसलमान इंतकाल कर चुके थे, तो हमें यह मालूम न हो सका कि उनकी नमाजों के बारे में क्या कहें। तब अल्लाह ने यह आयत नाजिल की, वमा कान अल्लाहु लियुदीआ ईमानकुम, सूरह बकरा आयत नंबर 143। सल्लु अलैहि व आलिही।